Hi SPS lovers, this is Shankar Pratap Singh. You are watching SPS film on YouTube channel. दोस्तों, भाइयों, बहनों, भाभियों, माताओं और मेरे बच्चों, आज हम बात करेंगे मर्करी इन नाइन्थ हाउस के बारे में कि मर्करी जब बर्थ चार्ट के नाइन्थ हाउस में आता है या बुध जब बर्थ चार्ट के नवम भाव में आता है तब क्या होता है। और आज बहुत ज़्यादा ठंड है इसलिए मैं अपने साथ कॉफ़ी का गर्मा गर्म मग लेके बैठा हूँ। एंड एक सेकेंड, थोड़ा सा कैमरा थोड़ा सा सेट नहीं हुआ है, जरा सेट कर लूँ इसको। ये है परफेक्ट, ये परफेक्ट कैमरा है। और आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ मैं एक्चुअली। ये देखिए, ये एक मेरे फ्रेंड हैं और वो उन्होंने मुझे गोवा में इनवाइट किया था, तो वहाँ उनका योगा सेंटर भी है काफ़ी बड़ा। तो जब मैं वहाँ से आ रहा था तो उन्होंने मुझे एक गिफ्ट किया था। ये देखिए, ये रेडियो है और इसमें 5000 सॉन्ग्स हैं और इसमें आप यूट्यूब के थ्रू भी यहाँ से मतलब कोई कनेक्शन जोड़ के आप यूट्यूब के थ्रू यहाँ पर गाना वगैरह प्ले कर सकते हैं। तो ये उनका बहुत अच्छा गिफ्ट है मेरे लिए, आई लाइक इट वेरी मच। और मैं अपने फ्री टाइम में इसको सुनता हूँ, बहुत अच्छे से गाने होते हैं इसमें, पुराने पुराने, नए नए, तमाम टाइप के गाने। एनीवे, आज हम बात कर रहे थे मरकरी जब बर्थ चार्ट के नाइन्थ हाउस में आता है तब क्या होता है। एक्चुअली जो मरकरी है उसका संबंध है कम्युनिकेशन से। जो भी हमारा इंटेलेक्चुअल माइंड है, जो भी हमारा ब्रेन है, जो भी हमारी सोचने की पावर है, जो भी चीज़ हम सोचते हैं सही या गलत, वो हम मरकरी के कारण सोचते हैं। यानी किसी भी चीज़ की अच्छाई और किसी भी चीज़ की बुराई, किसी भी चीज़ में फ़ायदा, किसी भी चीज़ में घाटा, किसी भी चीज़ में सक्सेस और किसी भी चीज़ में लॉस का हो जाना, वो आप मरकरी के थ्रू समझ सकते हो। यानी मरकरी जो है वो हमारा लॉजिकल माइंड है। जैसे बृहस्पति होता है ना, बृहस्पति हमारा बिलीफ है, हमारा ज्ञान है, हमारी हायर नॉलेज है। जैसे आपका मान लो वेद और वेदांत की नॉलेज हो गई, जितने भी जो हायर हमारे जो रिलीजियस जो सेजेस जो बोल के चले गए हैं ज्ञान के बारे में, धर्म के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में, तो वो गुरु है। गुरु यानी ट्रू नॉलेज। और मरकरी जो है वो चीज़ों को एनालाइज करता है और उन चीज़ों को डिटेल से समझता है। तो मरकरी एक प्रकार का ज्ञान नहीं है, लेकिन ज्ञान को समझने का तरीका है मरकरी। तो मरकरी अगर कहीं भी बैठता है, मान लो बर्थ चार्ट के किसी भी हाउस में बैठता है, तो मरकरी वहाँ पर अपना लॉजिकल माइंड यूज़ करता है उस चीज़ को समझने के लिए। और दूसरा, जैसे मरकरी मैंने आपको बताया कि मरकरी जो है एक प्रकार का लर्नर है, यानी सीखने वाला। सीखने वाला यानी कोई भी अगर इंसान कोई चीज़ सीखता है तो वो क्या हुआ, एक प्रकार का स्टूडेंट। तो मरकरी जो है वो एक प्रकार का स्टूडेंट है। तो मरकरी जहां भी बैठेगा वहां की चीजों को मरकरी पहले तो सीखता है, अपने माइंड को यूज करता है, उन चीजों को जानता है, और फिर मरकरी क्या करता है, उन चीजों को डिलीवर कर देता है या उन चीजों को बुक्स के थ्रू, पब्लिकेशन के थ्रू, मीडिया के थ्रू, जर्नलिज्म के थ्रू, और जो भी सिस्टम है किसी भी चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करने का, उन चीज़ों के थ्रू मरकरी उस हाउस की चीज़ों को पब्लिक तक लेके आता है, यानी पब्लिक को समझाता है उस हाउस के रिगार्डिंग, जो भी वो हाउस में जो चीज़ें हैं ना उन चीज़ों के बारे में मरकरी उन चीज़ों को समझाता है। अब नाइन्थ हाउस जो है, नाइन्थ हाउस का संबंध है धर्मा से, नाइन्थ हाउस है हमारा बिलीफ, नाइन्थ हाउस का संबंध गॉड एंड गॉडेस से है, नाइन्थ हाउस का संबंध
रिलीजियस चीज़ों से है, जो भी हमारा रिलीजियस बिलीफ है, जो भी हमारा धार्मिक बिलीफ है, जिस भी धर्म से हम बिलोंग करते हैं, चाहे वो हिंदू धर्म है, चाहे वो सिख धर्म है, चाहे वो मुस्लिम धर्म है, चाहे वो आपका क्रिश्चियन धर्म है, जो भी धर्म जो है, धर्म से जुड़ा हुआ जो हमारा बिलीफ है अपने गॉड के ऊपर, अपने भगवान के ऊपर, अपने सिस्टम के ऊपर, वो नाइन्थ हाउस है। नाइन्थ हाउस जो है वो आपकी हायर एजुकेशन है, यानी जैसे फिफ्थ हाउस जो होता है, तो फिफ्थ हाउस का संबंध होता है जो भी आपकी कॉलेज की जो पढ़ाई होती है, यानी जब आप 10वीं 12वीं या 11th 12th या मान लो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में आए हैं, तो वो आपका फिफ्थ हाउस है यानी कॉलेज लाइफ। और जो नाइन्थ हाउस है वो है डिग्री कोर्सेज, यानी जो भी आपका हायर बिलीफ है, जिन चीज़ों में आप मास्टरी पास करते हो, वो नाइन्थ हाउस है। नाइन्थ हाउस का संबंध फिलॉसफी से है, नाइन्थ हाउस का संबंध ज्ञान से है, नाइन्थ हाउस का संबंध नॉलेज से है, नाइन्थ हाउस का संबंध हमारे धार्मिक सिस्टम से है, हमारे धार्मिक बिलीफ से है, जो भी हमारा धर्म है। तो मरकरी अगर नाइन्थ हाउस में आता है, तो नाइन्थ हाउस की चीज़ों को, यानी धर्म को, हमारे धार्मिक बिलीफ को, हमारे गॉड एंड गॉडेस को, हमारे जितने भी जो रिलीजियस, जो हमारी जो बुक्स हैं, जो हमारे ओल्ड सेजेस जो लिखे चले गए हैं, या जो भी फिलोसफर जो लिख के गए हैं नाइन्थ हाउस के रिगार्डिंग, जो भी आपका धर्म है, उन चीज़ों के बारे में, ज्ञान के बारे में, नॉलेज के बारे में, गॉड के बारे में, भगवान के बारे में, इन सब चीज़ों को मरकरी पब्लिक तक लेके आता है। तो यानी अगर मरकरी आपके नाइन्थ हाउस में है, तो नाइन्थ हाउस की चीज़ों को आप बुक्स के द्वारा पब्लिश कर सकते हो, नाइन्थ हाउस की चीज़ों को आप मीडिया के द्वारा लोगों को बता सकते हो, यानी आप बहुत अच्छे राइटर हो सकते हो जो कि धर्म की चीज़ें लिखता हो, धर्म के बारे में लिखता हो, या बहुत अच्छे जर्नलिस्ट हो सकते हो जो धर्म की बातें लोगों के सामने लेके आता हो कि धर्म में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, या आप बहुत अच्छे फिलोसफर हो सकते हैं जो धर्म की चीज़ों को लोगों को बताता हो, लोगों को समझाता हो। दूसरी चीज़, अगर मान लो मरकरी नाइन्थ हाउस में बैठा है, और मरकरी के साथ अगर मान लो सन बैठ गया है, यानी सूर्य अगर मरकरी के साथ बैठा है, तो आप धर्म की बातों को बहुत ही डायनेमिक अंदाज से लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे। आप धर्म की बातों को अपने ऑरा के थ्रू, अपने स्टेज परफॉर्मेंस के थ्रू, अपने ड्रामा के थ्रू, अपने इंटेलिजेंस के थ्रू, इन सब चीज़ों के थ्रू आप धर्म की चीज़ों को लोगों को प्रस्तुत कर सकते हैं, और जो आपका ऑरा है वो लोगों के ऊपर असर डालेगा जब भी आप धर्म की बातों को लोगों को समझाओगे। तो एक आपके डायनेमिक रोल से, जो भी आप पब्लिक के सामने प्रस्तुत करते हो। मरकरी अगर वीनस के साथ आता है, तो बहुत ही आर्टिस्टिक तरीके से आप नाइन्थ हाउस की चीज़ों को लोगों को बताओगे। यानी हो सकता है कि मान लो आप कोई आर्टिस्ट हैं, और आप मान लो अपनी आर्ट की कलेक्शन करते हैं, और उस कलेक्शन में आप तमाम अपने धर्म के बारे में, गॉड एंड गॉडेस के बारे में, उन सब चीज़ों के बारे में आप अपनी आर्ट बनाते हैं, कृष्णा के बारे में बनाते हैं, जीसस के बारे में बनाते हैं, मोहम्मद के बारे में बनाते हैं, ठीक है ना, वाहेगुरु के बारे में बनाते हैं, तो उन सब चीज़ों के बारे में आप अपनी आर्ट तैयार करते हैं, उस और उस आर्ट के थ्रू आप लोगों को धर्म की चीज़ों को समझाते हैं, या किसी डिज़ाइन के थ्रू, मान लो कोई आप इलस्ट्रेशन बनाते हैं, कोई डिज़ाइन बनाते हैं, या कोई बुक्स वगैरह पब्लिश कर रहे हैं आप, तो उसको बहुत ही आर्टिस्टिक तरीके से आप सजा के लोगों को समझाने की कोशिश करोगे अपने धर्म की चीज़ों को। अगर मरकरी मान लो मंगल के साथ है, यानी मार्स के साथ है नाइन्थ हाउस में, तो धर्म की चीज़ों के प्रति आप बहुत ज़्यादा कट्टर हो जाएंगे, यानी जो भी आपका धार्मिक बिलीफ है, आप उसके चक्कर में फाइट कर सकते हैं, आप उसके चक्कर में लोगों से लड़ सकते हैं, और जो भी आप सोचते हैं कि मेरे धर्म में यही चीज़ें होनी चाहिए, उन चीज़ों को लोगों के सामने जब आप लेके आएंगे, तो बहुत ही अपने एरोगेंस के साथ आप उन चीज़ों को लोगों को बता सकते हैं। यानी जब भी आप उन चीज़ों को बताएंगे, तो आपका जो फाइटिंग नेचर होगा, जो अंदर का जो फाइटिंग नेचर होगा, वो दिखेगा। यानी ये हो सकता है कि आप एक प्रकार के धर्मपुत्र बन जाएं, यानी धर्म की चीज़ों को लोगों को एक्सप्रेस करें, लोगों के सामने धर्म की बातों को बताएं अपने डायनेमिक और अपने एग्रेशन के थ्रू। यानी आप बहुत फास्ट कम्युनिकेटर हो सकते हैं जो धर्म की चीज़ों को लोगों को प्रस्तुत करता हो, और कहीं भी अगर धर्म की बात आती है
और आपके धर्म के ऊपर अगर कोई गलत लांछन लगता है या कहीं से भी मान लो आपके धर्म के ऊपर कोई चोट आती है तो आप उसके चक्कर में फाइट कर सकते हैं। बिकॉज जो मंगल जो है ना उसका संबंध है फाइटिंग से। मंगल चीज़ों को ज़्यादा एनालाइज नहीं करता, मंगल जिस चीज़ के ऊपर बिलीव करता है ना उस चीज़ के लिए फाइट करता है। अब मरकरी मान लो आता है राहु के साथ, तो हो सकता है धर्म की चीज़ों को बहुत ही फाल्स तरीके से आप लोगों को समझाएं। यानी ये हो सकता है जैसे राहु क्या काम करता है, राहु मान लो नाइन्थ हाउस में है, तो नाइन्थ हाउस के थ्रू राहु अपना मॉनेटरी गेन करेगा, राहु वहाँ से अपने आप को प्रिविलेज देगा, अपनी अर्निंग करेगा, अपने सिस्टम को बिल्ड करेगा। तो मरकरी के साथ अगर राहु है, मरकरी आपकी स्पीच है, राहु का संबंध झूठ से है, तो राहु और मरकरी दोनों अगर नाइन्थ हाउस में हैं तो नाइन्थ हाउस की चीज़ों को आप पॉलिश करके लोगों को बताएंगे और वहाँ से मॉनेटरी गेन कर सकते हैं। और नाइन्थ हाउस की चीज़ों के रिकॉर्डिंग आपको नाम और फेम मिल सकता है, लेकिन उसमें कोई ना कोई फॉल्स जरूर होगा, कोई ना कोई झूठ जरूर होगा, लेकिन उससे आपको सक्सेस बहुत मिलेगी। आप ऐसी ऐसी बातें करोगे नाइन्थ हाउस के रिगार्डिंग जिससे लोग आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे। और दूसरी चीज़, राहु का एक नेचर और भी है कि राहु जो है ना पुराने जो ओल्ड जो हमारा सिस्टम चलता है उसको राहु ब्रेक कर देता है। उस सिस्टम को ब्रेक करके राहु एक एडवांस सिस्टम लेके आता है, एक एडवांस वर्जन लेके आता है और लोगों को नाइन्थ हाउस की चीज़ों को राहु वहाँ पर बताता है। तो जो नए सुनने वाले लोग हैं, जो नई चीज़ों में बिलीव करते हैं, वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होता हो जाते हैं इन चीज़ों से कि राहु जब मरकरी के साथ नाइन्थ हाउस में है तो जब भी इंसान बोलेगा नाइन्थ हाउस की चीज़ों को बताएगा तो लोग उन चीज़ों से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं। अब मान लो केतु मरकरी के साथ अगर नाइन्थ हाउस में आता है तो केतु जो है उसका संबंध है डिटैचमेंट से। केतु जो है उसका संबंध है हायर बिलीफ से, हायर नॉलेज से। केतु बहुत अनमेटलिस्टिक है। केतु जहाँ बैठता है ना उन चीज़ों से केतु सेटिस्फाई नहीं होता। हाँ, केतु के अंदर नॉलेज बहुत होती है। केतु जहाँ बैठेगा वहाँ की चीज़ों की नॉलेज केतु को बहुत होगी, क्योंकि केतु एक प्रकार की मास्टरी है। तो केतु अगर नाइन्थ हाउस में बैठता है तो धर्म की नॉलेज बहुत होगी इंसान को, रिलीजियस चीज़ों की नॉलेज बहुत होगी, रिलीजियस स्क्रिप्चर्स जितने भी हैं उन सब चीज़ों की नॉलेज बहुत होगी। लेकिन केतु का संबंध डिटैचमेंट से होने के कारण जब केतु बुध के साथ नाइन्थ हाउस में बैठेगा तो केतु इन चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा लेजी हो जाएगा। केतु इन चीज़ों को किसी को बताना नहीं चाहेगा। आप जितने भी जो आपके रिलीजियस बिलीफ हैं उन चीज़ों को आप लोगों को ज़्यादा समझाना नहीं चाहेंगे। आप बहुत ही अपने अंदर डिटैचमेंट फील करेंगे, बहुत ही अपने अंदर लूज़ फील करेंगे नाइन्थ हाउस की चीज़ों को लोगों को बताने के लिए, क्योंकि आपको ये लगता है इसमें करने के लिए कुछ है नहीं कि मैं लोगों को क्यों बताऊं और क्या बताऊं और क्या करूं इन चीज़ों के बारे में, मुझे समझ में नहीं आता। दूसरा, अगर मान लो मरकरी अगर सैटर्न के साथ है नाइन्थ हाउस में, तो नाइन्थ हाउस की चीज़ों को यानी धर्म की चीज़ों को, धर्म के बिलीफ को, गॉड एंड गॉडेस को, इन सब चीज़ों को समझना और इन सब चीज़ों को लोगों को समझाना ये एक प्रकार की आपकी ड्यूटी हो जाएगी। यानी हो सकता है कि आप बहुत अच्छे फिलोसोफर हों, आप बहुत अच्छे राइटर हों जो नाइन्थ हाउस की चीज़ों को लोगों को बताता हो, और जो भी आप अपनी बुक्स वगैरह लिखेंगे वो बहुत बड़ी बड़ी बुक लिखेंगे, यानी उसके पेजेस बहुत ज़्यादा होंगे, और हो सकता है एक बुक को कंप्लीट करने में आपको महीने गुजर जाएं। आप उन चीज़ों को बहुत ही डिटेल से करना चाहेंगे, बहुत ही सिस्टम से करना चाहेंगे, क्योंकि जो सैटर्न है ना वो चीज़ों को बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से करता है, बहुत ही डिटेल से करता है। सैटर्न कहीं भी कोई गलती नहीं करता, इसलिए सैटर्न बहुत स्लो 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 चलता है। तो सैटर्न अगर नाइन्थ हाउस में है तो बहुत अच्छे टीचर हो सकते हैं आप, बहुत अच्छे फिलोसफर हो सकते हैं, और नाइन्थ हाउस की चीज़ों को सिस्टमेटिक तरीके से आप लोगों को समझाएंगे। और नाइन्थ हाउस की चीज़ों से आपको डर भी बहुत लगेगा, अपने धर्म से, अपने धार्मिक बिलीव से, अपने गॉड एंड गॉडेस से आपको बहुत ज़्यादा फियर महसूस होगा, बहुत ज़्यादा डर महसूस होगा। तो इन चीज़ों को बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से आप करना चाहेंगे। और दूसरी बात यह कि धर्म की जो भी नॉलेज है, जो भी आपने गेन की है, उसमें आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, जब जाके आप उन चीज़ों को सीख पाएंगे। और वो उन्हीं चीज़ों को करना आपकी ड्यूटी है और आपका कर्मा भी बनता है। तो दोस्तों, आज हमने आपको बताया कि मरकरी अगर बर्थ चार्ट के नाइन्थ हाउस में आता है तब क्या होता है। अगर आप भी जानना चाहते हैं आपका मरकरी आपके बर्थ चार्ट में आपको क्या क्या बेनिफिट करवा सकता है या क्या क्या लॉस करवा सकता है,
तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने मरकरी को जानने की कोशिश कीजिए। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, हमसे कंसल्ट करना चाहें या पर्सनली हमसे मिलना चाहें, तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू हमें मेल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और दोस्तों आप हमसे बात भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर। और अब मैं अपनी कॉफ़ी ख़त्म करता हूँ।